इस बात में कोई शक नहीं कि बैरूनी ताकतों समेत इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पर मजबूत नहीं देखना चाहती। भारत की तो ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को कमजोर करे और सीपेक को निशाना बनाए, क्योंकि उसे अंदाजा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा। चंद दिन पहले पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने एक इंडियन सीक्रेट नेटवर्क को एक्सपोज किया जो पाकिस्तानी सिटीजन के मारने में मुलव्वस था। इस बारे में पब्लिक ने अपने खामो गुस्से का इजहार करते हुए कहा, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। इंडिया जो मर्जी कर ले, जो कोशिश कर ले, लेकिन पाकिस्तान को कमजोर वो नहीं कर सकता। पाकिस्तानी वो कौम है, अगर मरती है तो शहीद है, बचती है तो गाजी है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। आई एम हैप्पी कि हमारी ISI और हमारी फोर्सेस के अंदर इतनी सलाहियत और काबिलियत है कि वो इन सब के साथ लड़ रही है। दूसरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए उसको तोड़ने की कोशिश ना करे। एक बंदा सिपाही हमारा, वो उनके 10 बंदों पर भारी। इंडिया को भी हमारा पैगाम है कि भाई आप जरा होश के नाखून लें, हम इस तरह सोए हुए नहीं है, हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दुश्मन ताकतें भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के प्लान तो बना रही हैं, लेकिन पाक फौज इस तरह के हमलों को रोकने के लिए हर वक्त तैयार है।